हे फूडीज, आज मैं बना रही हूँ दाल ढोकली, जो ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है और हर घर में दाल ढोकली बनाने का एक अपना ही तरीका होता है। किसी के घर पे दाल ढोकली जो है खट्टी मीठी बनती है और किसी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी। तो आज मैं दाल ढोकली जो है बनाने वाली हूँ वो एकदम राजस्थानी स्टाइल में बनाएंगे हम, मारवाड़ी तरीके से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज दाल ढोकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टोटल जो है हाफ़ कप दाल यूज़ करी है, जिसमें मैंने 1/4 कप जो है हरी मूंग दाल ली है, उसके बाद 1 टेबल स्पून येलो मूंग दाल, 1 टेबल स्पून चना दाल, 1 टेबल स्पून अरहर की दाल और 1 टेबल स्पून ही मैंने ली है काली उड़द की दाल। आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हरी मूंग दाल से बना सकते हैं, बट मिक्स दाल से जब आप दाल ढोकली बनाते हैं ना तो दाल ढोकली का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो 2 से 3 बार जो है आपको दाल को अच्छे से धो लेना है, और धोने के बाद उसे हम जो है 1 से 2 गिलास पानी में भिगो के रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 कप जो है गेहूं का आटा ले लिया है, जिसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने लिए हैं यहाँ पे हल्दी। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालकर एक सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे, जो रोटियों का हम डो लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट डो लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो मोयन है वो बहुत अच्छे से इस तरह डालकर आपको चेक कर लेना है, तो अच्छे से बाइंड हो रहा है, मतलब मोयन जो है तेल हमने अच्छे से डाला है इसके अंदर। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इस तरह इसका जो डो है वो हम रेडी करेंगे। अगर आप डो बहुत ज़्यादा टाइट लगाएंगे तो ढोकली जो है बहुत ज़्यादा कड़क बनेगी, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे तो ढोकली जो है मैशिंग टाइप हो जाएगी बॉईल होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने आटा जो है लगा दिया है, 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से नीड कर लिया। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि मैंने डो को कितना सॉफ्ट रखा है। अब हम क्या करेंगे, हथेली में पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद देखिए इस तरह छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। बेसिकली है ना, कई लोग जो है ढोकली कैसे बनाते हैं कि रोटी बेल लेते हैं फिर उसको नाइफ से स्क्वायर पीसेस में कट कर लेते हैं, बट राजस्थान में ना इस तरह ढोकली बनाई जाती है और इसका जो टेस्ट है ना काफ़ी ऑसम आता है। ये ट्रेडिशनल वे है दाल ढोकली बनाने का। आप चाहे तो ढोकली बनाने के बाद इस तरह बीच में होल भी कर सकते हैं, बट मैं आज इस तरह इसको सिंपल ही रख रही हूँ। कई बार हमारे घर पे जब ढोकली बनती है तो हम बीच में इस तरह होल भी करते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और बेसिकली इसको होल करने की वजह ये होती है कि ढोकली जो है कच्ची नहीं रहेगी और बहुत अच्छे से कुक होगी। जैसे हम ढोकले बनाते हैं ना मारवाड़ी स्टाइल में, तो बीच में होल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी ढोकलियाँ मैंने बना कर रेडी कर दी, और इस तरह से 2 प्लेट जो है रेडी हो जाती है। जब मैं ढोकलियाँ रेडी कर रही थी तब मैंने साइड में पानी जो है 4 गिलास गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जितना सॉल्ट डाल रही हूँ, बाकी का सॉल्ट हम तड़के में डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून घी, आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि जब ढोकली हम बॉईल करेंगे तो ढोकलियाँ जो है आपस में चिपकेगी नहीं। तो एक बार मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 3 हरी मिर्ची, जिसको देखिए मैंने इस तरह बड़ा कट किया है। आप चाहे तो छोटा छोटा कट करके भी डाल सकते हैं, और जो दाल हमने भिगो के रखी थी साइड में वो भी डाल देते हैं। पहले आपको दाल डालनी है, उसके बाद आपको ढोकलियाँ डालनी है। ढोकलियाँ आपको तभी डालनी है जब पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाता है, अच्छे से उकल रहा है पानी। ठंडे पानी में आपको ढोकली जो है कभी भी नहीं डालनी है। तो देखिए इस तरह एक 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 करके हम जो है ढोकली डालेंगे, एक साथ ढोकली नहीं डालनी है, नहीं तो वो एक साथ जो है चिपक जाती है। इसीलिए ढोकलियाँ बनाते समय प्लेट में जो है आपको सब ढोकली अलग अलग रखनी होती है। ढोकली डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर ले, और फिर ढक्कन लगा के इसको हम स्लो टू मीडियम गैस पे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। 20 मिनट तो ईजिली हम इसे कुक करेंगे, ताकि दाल जो है वो अच्छे से मैशी टाइप हो जाए और ढोकली जो है कच्ची नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून हींग भी डाल दी है। मुझे हींग जो है इस तरह बॉयल करते हुए ढोकली में डालना पसंद है। ढक्कन लगा रही हूँ और इसे कुक कर लेती हूँ। बीच बीच में आपको ढक्कन हटा लेना है और इसे 3 से 4 बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो ढोकली है वो नीचे बेस में नहीं चिपके। फिर से ढक्कन लगा दिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट इसे हो गए हैं बॉईल होते हुए, और एक बार अच्छे से हम मिक्स करके देख लेते हैं। और दाल भी थोड़ी सी मुझे ना कच्ची लग रही है, मीन्स थोड़ी सी हल्की सी दाने मुझे अभी तक दाल के दिख रहे हैं। तो इसे मैं फिर से ढककर जो है कुक करूँगी।
तो यहाँ पर टोटल 20 मिनट्स हो गए हैं इसे कुक होते हुए। दाल एकदम परफेक्ट बॉईल हो गई है, कंसिस्टेंसी भी मुझे बराबर लग रही है। मैं आपको दाल की कंसिस्टेंसी भी बता देती हूँ कि देखिए मैंने इसे जो है कितना गाढ़ा रखा है। तो अभी गैस जो है मैंने एकदम स्लो कर दिया है और तड़का लगा लेते हैं ढोकली के लिए। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। तो जैसे ही ऑयल जो है गर्म हो जाता है उसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून जितनी राई। राई को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद आप इसमें डाल दें जीरा 1/2 टीस्पून। मैंने 1/4 टीस्पून हींग जो है पहले बॉयल होते समय डाली थी और अब मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाल दी। उसके साथ साथ मीडियम साइज़ की 4 कलियाँ लहसुन के लिए है, जिसे मैंने हमामदस्ते में कूट के लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। बिना लहसुन के भी दाल ढोकली जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तब आपको हींग डालना फिर ज़रूरी है। 1/4 टीस्पून हींग डाल दी। 2 मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, ये काफ़ी तीखा है, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और थोड़ा सा ही सॉल्ट मैं डाल रही हूँ बिकॉज़ हमने जब ढोकली बॉईल हो रही थी तब भी हमने सॉल्ट डाला था। मसालों को मैंने ऑयल में अच्छे से कुक कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून जितना पानी डाल रही हूँ ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं, और वेट करेंगे इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाता है। इस तरह जब आप पानी डालते हैं ना तड़के में तो कलर काफ़ी अच्छा आता है और ढोकली का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए बॉयल अच्छे से आ गया है। तो अब इस तड़के को हम मिला देते हैं ढोकली में। तो तड़के को मैंने ढोकली में यहाँ पे देखिए मिला दिया है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5-7 मिनट्स के लिए स्लो गैस पे ढक्कन लगा के इसे कुक करेंगे ताकि जो ढोकली है दाल है वो सारे तड़के को मसाले को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। किसी भी स्टेज पे अगर आपको लगता है कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत है, दाल ढोकली काफ़ी थिक लग रही है, तो आपको इसमें पानी को गर्म करके ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डाले, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आफ्टर 5-7 मिनट्स आप देख सकते हैं कि ढोकली का कलर कितना चेंज हो गया है, मसाला बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है ढोकली ने। तो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया पत्ती भी डाल दिया है। तो चलिए अब फटाफट से इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ढोकली का टेस्ट ना प्याज नींबू और पापड़ के साथ ना दुगना हो जाता है। तो पापड़ ज़रूर सर्व कीजिएगा ढोकली के साथ। मॉनसून और विंटर सीजन में दाल ढोकली खाने का एक अलग ही मज़ा है। अब इस पे ऊपर हम गर्मा गर्म घी डालते हैं। घी के बिना दाल ढोकली क्या खाना। बहुत सारा घी डाले और इसको टीवी देखते हुए इंजॉय करे, प्याज और पापड़ के साथ थोड़ा सा नींबू निचोड़ ले, तो बात ही अलग है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो मेरी चैनल को करे सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।